एक तो आपको एलर्जिक प्रॉब्लम है तो इसके लिए ध्यान रखिए, ठंडी चीजें, खट्टी चीजें, तली हुई चीजें आपको नहीं लेनी है। दही अभी आपको नहीं खाना है, अचार भी नहीं लेना है, रात को ये मूली वगैरह या कच्चे सलाद वगैरह भी नहीं खाना है, और आपको गर्म पानी ही पीना है। जिनको एलर्जिक प्रॉब्लम है वो सभी लोग सुन ले, यदि एक ही कसम खा लें कि आपको गर्म पानी ही पीना है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, तो उससे पूरा लाभ हो जाएगा। षडबिंदु तेल या फिर अणु तेल, इसको चार चार बूंद नाक में डाल लेना सुबह खाली पेट, पूरा रेशा जो कफ है बेलगम है निकल जाएगा, नाक आपकी खुल जाएगी। स्वासारी जो क्वाथ है हमारा उसको उबाल करके पी लेना सुबह शाम, और खाने के बाद में तुलसी घनबट्टी और लक्ष्मी विलास रस, तुलसी घनबट्टी की 2 गोली, लक्ष्मी विलास रस की 2-2 गोली ले लेना। और ज्यादा परेशानी हो तो पतंजलि बाम है, पतंजलि दिव्य धारा है, उसको आप थोड़ा सा हैंकी में रुमाल में लेकर के सूंघना, इतना कर लीजिएगा। थोड़ा प्राणायाम आप जरूर सीख लेना, प्राणायाम आप रेगुलर कर लेना बहन, ये 100% ठीक हो जाएगा। मुश्किल से आपको 1.5-2 महीने भी नहीं लगेंगे, उसके अंदर अंदर आप ठीक हो जाओगे।